Yeah, I want to visit India too someday. Definitely. Why not? Yeah, I want to visit India too someday. Definitely. Why not? Oh my God, Indian BTS आर्मी, मुझे लगता है इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप में से न जाने कितनी आर्मी को सांस नहीं आ रही होगी। एक बार फिर से ये क्या हो गया? जब जब हमारी इंडियन BTS आर्मी को कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, तब तब कोई ना कोई BTS मेंबर इंडिया को लेकर कोई ऐसा धमाका करता है जिससे पूरी इंडिया में सनसनी छा जाती है। और अभी कुछ ही मिनट पहले कुछ ऐसा ही किस्सा फिर से हम इंडियन BTS आर्मी के साथ हुआ है। और आप लोग बस इस वक्त इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी सोशल मीडिया पर जाके देखो किस तरह RM इंडिया, RM कमिंग इंडिया, BTS इंडिया, BTS कमिंग इंडिया, इस तरह के हैशटैग्स हर तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। इंडियन BTS आर्मी की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। लेकिन ऐसी इंडियन BTS आर्मी जो अभी कंफ्यूज है, जिन्हें नहीं पता कि आज इंडिया के लिए क्या स्पेशल हो चुका है, उन्हें मैं एक बार बता दूं कि RM अभी कुछ ही मिनट पहले आर्मी के साथ काफी दिनों बाद व्यूवर्स पर लाइव बातचीत करने के लिए आए थे। और इसी दौरान इंडियन BTS आर्मी के साथ एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने शायद सपने में नहीं सोचा था। हाँ आर्मी, आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया किस तरह नामजून ने एक बार फिर से ना इंडिया को सिर्फ मेंशन किया बल्कि अपने दिल की इच्छा भी बता दी कि वो इंडिया आना चाहते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि BTS मेंबर्स के मुंह से इंडिया ये वर्ड सुनकर इंडिया में किस तरह का तूफान आता है। और अब कुछ इसी तरह का तूफान हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है जब से RM ने इंडिया को अपनी इस व्यूअर्स लाइव में मेंशन किया है। तो चलो जानते हैं आखिरकार RM ने एग्जैक्टली हमारी कंट्री इंडिया को लेकर लाइव में क्या बोला। तो आर्मी, ये तो आपको पता ही है कि किस तरह जब भी BTS मेंबर्स व्यूअर्स पर आर्मी के साथ लाइव बातचीत करने के लिए आते हैं तो BTS आर्मी एक के बाद एक कमेंट कर उन्हें नए नए सवाल पूछती है। और लकी BTS आर्मी जिनके कमेंट्स को वो लोग नोटिस कर लेते हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो आज भी RM बहुत सारी BTS आर्मी को उनके कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे थे, तभी हमेशा की तरह हमारी इंडियन BTS आर्मी की भी कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी कि प्लीज BTS इंडिया आओ, प्लीज RM इंडिया आओ, कॉन्सर्ट करो। तभी RM इस तरह के कमेंट को नोटिस कर लेते हैं और इंडियन BTS आर्मी को रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, हां मैं डेफिनेटली एक ना एक दिन इंडिया आना चाहता हूं, क्यों नहीं मैं इंडिया आऊंगा। यानी कि RM ने इस 5 सेकंड की क्लिप में करोड़ों इंडियन BTS आर्मी को वो खुशी दे दी जो हमने आज एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। यानी कि RM ने ये बता दिया कि वो एक ना एक दिन इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया उनकी लिस्ट में है और हो सकता है हमें 2025 में ये सपना पूरा होता दिखे। तो आर्मी, जब आपने RM के मुंह से इंडिया नाम सुना तो आपको कैसा लगा और आप RM के इंडिया आने को लेकर कितना एक्साइटेड हो और आपका इस पर क्या रिएक्शन था, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।